व्हाट्स अप गाइस, फाइनली ट्रेलर आ चुका है योद्धा मूवी का, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पाटनी। सिद्धार्थ के ऊपर मुझे ऐसे रोल तो भाई साहब गजब लगते हैं, यही रोल के लिए बनाए। तो भैया आप लोग भी बताना आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। देखते हैं पूरी वीडियो, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। स्टार्टिंग से हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना, मेरा भी था। अरुण और जाने तक हमें नहीं कोशिश करना होगा। अरुण अरुण वे अरुण, अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। योद्धा नहीं देश के दुश्मन है। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जचना है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है, फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। पायलट ने 7500 स्कॉप किया, इट इज एन ऑफिशियल हाईजैक नाउ। खबर आ रही है कि भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया। और फिर कमांडो को संदिग्ध हाईजैक कर लिया होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण वहां पर क्या चल रहा है? मैंने जो 3 टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला। This is AV-175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं देश हमेशा रहेगा। पूरी आत्मा बकवास सुन जाए। जब तक आर्मी नहीं आती हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। मुझे तो ऐसी मूवीज ही सिनेमा हॉल खींचती है जिसमें स्टोरी लाइन हो जो आपको थ्रिलर एक्सपीरियंस दे। और कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुझे लगता है कि कुछ टाइम से तो वो स्क्रिप्ट ऐसे सीन आर्मी रिलेटेड मतलब जितने भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं बहुत गजब। और अभी हाल ही में इंडियन पुलिस फोर्स गया था, एक्टिंग नोट उसमें बहुत बढ़िया थी। और भाई इस मूवी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा डायरेक्शन बहुत गजब हुआ है, स्टोरी लाइन अमेजिंग होने वाली है। जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हमें, चाहे वो फाइट जो एयरप्लेन था उसके अंदर के देखने को मिले, एक लव स्टोरी का एंगल जो देखने को मिला, दिशा पाटनी इसमें एयर होस्टेस का रोल होने वाला है, तो काफी रोलर कोस्टर राइड रहेगी इमोशंस की। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि ऐसी मूवीज जितनी ज्यादा आएंगी ना, और आज का यूथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। हाँ। और मेरे जैसे को भी ऐसे मूवी में आता है जिसमें पेट्रियटिज्म भी हो, थ्रिलर भी हो और एक सस्पेंस वाला माहौल भी हो। हाँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। इंक्वायरी बैठती है और तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हैपनिंग ट्रेलर लगा मुझे, प्रॉमिसिंग लगा। आप भी अब बता सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलते हैं एक साथ, बाय, टेक केयर।